नमस्कार, मैं हूं इस्लामुद्दीन खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में 2 वर्ष पहले हुई रोड वेंडिंग के नाम पर कार्रवाई में हजारों की तादाद में दुकान मकान रोड से लगे हुए सभी चीजों को ठाणे महानगर पालिका ने तोड़ दिया था। सिर्फ दुकान ही नहीं, उस रोड वेंडिंग में दर्जनों बस स्टॉप भी तोड़ दिए गए थे, जिसके बाद आम जनता को बस स्टॉप ढूंढने को लेकर काफी परेशानी होने लगी। मगर एक साल पहले एनसीपी के नगर सेवकों ने बस ढूंढो अभियान चलाया और दूरबीन लगाकर बस स्टॉप ढूंढा जा रहा था, मगर बस स्टॉप मिले कहां जब बस स्टॉप है ही नहीं। जिसके बाद एनसीपी के नगर सेवकों ने महासभा में बस स्टॉप को लेकर आवाज उठाई। आवाज उठाने के बाद रेती बंदर से सील फाटा तक 33 बस स्टॉप पास किया गया है। आइए जानते हम एनसीपी के नगर सेवक इसके बारे में क्या कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है ना कि 33 बस स्टॉप रेती बंदर से लेके शिल तक मुंब्रा के बस स्टॉप नहीं थे। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस और पैरेंट और जब भी नगर सेवकों ने मिलके हम लोगों ने डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के मार्गदर्शन में कहाँ गया उसे ढूंढो बस स्टॉप का मुहिम शुरू की थी। जिसके बाद महासभा में हम लोग एक मुंब्रा गौसा के अंदर 10,000 से ऊपर लोग बस परिवहन के बस सेवा का लाभ लेते। और आपको ये भी बता दूँ कि मुंब्रा कौसा का सबसे थानांग में लोग परिवहन का जो प्रॉफिटेबल रूट है वो मुंब्रा ही है। उसके बावजूद 33 बस स्टॉप नहीं थे, उसकी मुहिम चालू की हम लोग ने, सभी ने मिलकर, सभी नगर सेवकों ने मिलकर हमने मुहिम चालू की। और महासभा में जब मैंने टिकट लेके गया और हमारे सभी नगर सेवकों ने आवाज़ उठाई कि भाई 10,000 जो रहवासी मतलब मुंब्रा के जो सफ़र करने वाले वो पूछ रहे कि बस स्टॉप किधर है। उसके बाद कमिश्नर साहब ने और मेयर मैडम ने और सभी लोगों ने मिलके उस पर आदेश दिया तुरंत कि मुंब्रा कौसा के अंदर बस स्टॉप तुरंत लगाया जाए। जब बस स्टॉप लगाए का शुरुआत किए गए तो हाल ही में 2 से 3 महीने पहले बस स्टॉप लगाए, दारूफला से शुरुआत की। जैसे हमको मालूम पड़ा बस स्टॉप लगाए तो हमको इन्फॉर्मेशन थी क्योंकि हमारे आंदोलन के थ्रू ही किया जा रहा है। हम वहाँ गए तो देखा था चूने बस स्टॉप पर कलर करके लगाया जा रहा था। हम सभी लोगों ने जितने वहाँ पर हम पहुँचे और उसका विरोध किया कि भाई जूने बस स्टॉप कलर करके क्यों लगा रहे, जब थाना कलवा को स्टील के बस स्टॉप तो मुंब्रा को सौतेला व्यवहार क्यों करेंगे। हम नगर सेवक अश्विन राउत, हम जितने नगर सेवक हैं हम लोग सभी वहाँ पर पहुँचे। हम लोग गए तो वहाँ पे हम लोग विरोध किए, वो बस स्टॉप रिटर्न गए। अभी हाल ही में फॉलोअप हमने जब किए तो बीच में सैयद अली भाई साहब के वहाँ पूरी टीम को हमने लाए थे, शमीम खान साहब के वहाँ, राजन भाई, जितने भी हमारे नगर सेवक, रेहान भाई, अश्विन मैडम, शाकिर भाई, सब फॉलो करे, अलग अलग टाइम पर कर फॉलो किए। हमने फॉलो करने के बाद स्टील के बस स्टॉप उन्होंने कहा कि आपको 10 स्टील के बस स्टॉप दे रहे हैं। रोड का बनने का काम शुरू है, लेकिन अभी जहाँ पर रोड नहीं बनाना है, जैसे ये रोड बन चुका है UTWT आप देखें, तो एक मुंब्रा में अभी 3 बस स्टॉप दे रहे, एक मुंब्रा में, एक कौसा जामा मस्जिद और एक अमृत नगर में, आज 3 बस स्टॉप का लगाने का काम शुरू हुआ। आप पीछे देख सकते हैं कि नए स्टील के बस स्टॉप जैसे कलवार थाना में लगाए जाते थे, हमको फख्र है कि हमारे मुहिम और आंदोलन के बाद मुंब्रा कौसा को 10 बस स्टॉप तुरंत स्टील के दिए गए, जिसमें से 3 लगाने का काम शुरू करा जाए। जैसे कि अभी शानू पठान साहब ने बताया कि रोड का काम बाकी है, वो हिसाब से बस स्टॉप लगेंगे, जहाँ पर रोड का काम होगा वहाँ पर बस स्टॉप लगेंगे। तो ये शानू पठान साहब और हमारे पूरे राष्ट्रवादी परिवार की तरफ से आवर साहब के मार्गदर्शन में ये जो पिछले 6 महीने से हम लोग मुहिम चला रहे कि कहाँ गया ढूंढो बस स्टॉप, तो ये आज हमारे को इसका ये मिला है कि आज ये बस स्टॉप हमारे जहाँ पर रोड का काम हो चुका है और जहाँ पर बस स्टॉप लगने चाहिए वहाँ पर ये बस स्टॉप लगने का काम शुरू हो चुका है। और ये बाकी के जो बस स्टॉप है वो भी हमको जब रोड का काम हो जाएगा वहाँ पर लग जाएंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि 33 बस स्टॉप जो है जी वो पास हो चुके हैं जी, मंजूरी उसकी मिल चुकी है जी, आज 3 लगाए जा रहे हैं लेकिन 30 बहुत जल्द लगाए जाएंगे। जो आपने कहा कि उसके जो एविडेंस हैं वो हम आपके माध्यम से पहुँचाएंगे लोगों तक जी, जी। लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे शानू पठान साहब, हमारे जो नगर सेवक हैं राजन किने साहब, अश्विन मैडम और जितने भी हमारे नगर सेवक शाकिर शेख, मैं रेहान पीतलवाला, तमाम लोगों को कि हमारे नगर सेवकों ने आवाज़ उठाई जाकर के हाउस के अंदर, उसके बाद जाकर के मंजूरी मिली है। मैं मंजूरी मिली मुंब्रा कौसा में और एक डेवलपमेंट आया है उसके लिए हमारे आमदार जितेंद्र अवार साहब, सैयद अली भाई साहब, हमारे तमाम नगर सेवकों ने और हमारी पार्टी के लोगों ने, पेरेंट बॉडी और यूथ बॉडी की हमारी पूरी टीम ने इसको लेके जो एक मुहिम चलाई थी, आज ये मुहिम का ही नतीजा है। और इंशाल्लाह ताला इस तरीके से अगर मुंब्रा कौसा में जैसे कुछ लोगों ने कहा था उस वक्त
कुछ अपोजिशन के लोगों ने कहा था कि ये सिर्फ नौटंकी चल रही है, कहाँ गया बस स्टॉप ढूंढो की नौटंकी चल रही है, तो मैं उनको दावत देता हूँ आगे देख करके जाओ यहाँ लगे बस स्टॉप के। मंजूरी तो आप जो मिनट्स है, जो महासभा के मिनट्स होती है उसमें रूलिंग दी जाती है, आपको तो मालूम है आप अभ्यासु पत्रकार है, उसमें रूलिंग में ही ऑर्डर आ गया था कि कमिश्नर ने ऑर्डर दिया है कि शानू पठान ने जो और जितने नगर सेवक मुमरा कोसा के प्रभाग समिति के उन्होंने विरोध किया है उसके जितने 33 बस स्टॉप है उसको तुरंत मंजूरी देते हैं हम लोग, और वो रूलिंग जो होती है वो ऑर्डर के जैसी होती है। अब उस पर उन्होंने उनका ऑब्जेक्शन क्या था कि उन्होंने क्या किया था, लैपटॉप करके पुराने बस स्टॉप पेंट करके लगाने शुरू कर दिए थे। हमारा विरोध यही था कि हम आपके थाने महानगर पालिका की सौतीले वाला थे क्या, हम जितना हक जितना डेवलपमेंट थाना को मिलता है, कलवा को मिलता है, बाकी जगह को मिलता है, वैसे ही डेवलपमेंट उतना ही हक मुमरा को भी देना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने उसका विरोध किया। अब 10 स्टील के बस स्टॉप उनका रेडी है, 3 अभी उनने दे दिया है, 7 और जैसे जैसे शहर विकास के लोग बताते जाएंगे कि उनको लगाने का वो शुरुआत कर देंगे। सेंशन तो रूलिंग के टाइम ही माननीय आयुक्त महोदय, कमिश्नर मैडम, सभागृह नेता, विरोधी पक्ष नेता, उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मेरा साथ देके, हमारे सभी नगर सेवक मुमरा प्रभाग समिति का उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा, शमीम खान साहब का भी, आमदार साहब का भी, और भाई साहब का भी, और जितने भी हमारे पार्टी के जितने पदाधिकारी है उनकी मेहनत, जो दिन रात वो बस यहाँ से जब बस जाती थी तो उसमें बस में बैठते थे, मुहिम चलाते थे, आने के टाइम पर मुहिम चलाते थे, उन्हीं की आज मेहनत सफल हुई है। राष्ट्रवादी परिवार के हर कार्यकर्ता, हर नेता, मुमरा कौसा के जितने भी आवाम है, जो 10,000 लोग यहाँ से सफर करते, आज उनको कामयाबी मिली है, खाली हमें कामयाबी नहीं मिली। रेती बंदर से लेकर सिल्फ हाटा तक 33 स्टील के बस स्टॉप लगाए जाएंगे, मगर अभी सिर्फ 10 स्टील के बस स्टॉप दिए गए हैं, जिनमें से आज 3 बस स्टॉप लगाए जाएंगे। ये 3 बस स्टॉप मुमरा, अमृत नगर और कौसा जामा मस्जिद के पास लगाए जाएंगे। जो बाकी के 30 बस स्टॉप बचे हुए हैं वो कब और कहां लगेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।